जब ये सब जूना सुना आते ना, गुलाब जामुन लेके आ जाते, दो दो गुलाब जामुन वो मीठा मुंडा करा के फिर बोट ले जाते करोड़े करोड़े के। ये खाली झूठे वादे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मिला, ना तो नरेंद्र मोदी की तरफ से मिला है, ना मनमोहन सिंह की तरफ से मिला है, हमको किसी की तरफ से कुछ नहीं मिला। महीने में कितना कमाए, कभी 2000 हो जाते हैं, कभी उनके इतना कमाते हैं 3000, तो कभी कमाते नहीं हम कोई भी मजदूर। मतलब महीने में करीब करीब 10 दिन काम मिलता है। काम क्या मिला, 5 दिन मिला है। महीने में तो 10 दिन कभी मिलता है और कभी तो मिलता भी नहीं है, ऐसे ही घूम के वापस जाना पड़ता है। मेरे को 20 दिन का काम मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत कठिन चलता है घर हमारा, बहुत कठिन, पूछो मत के ये इतना कठिन चल रहा है घर। घर पे क्या होता, घर पे जाकर वापस बच्चे बच्चे के लिए कुछ करना पड़ता, रोटी की सब्जी के लिए। कभी रोटी मिलती है, कभी सूखी रोटी खाते हैं। उस दिन से पड़ोस से मांग के खाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसे चलेगा घर तो। कभी रोटी है तो सब्जी नहीं है, कभी ये है तो वो नहीं है, एक दूसरे से मदद लेके बच्चे को तो भूखे रखने नहीं। ठीक है, रोजगारी नहीं मिलती है तो कितना बुरा लगता है। बच्चे जाके उनके बाद देखते हैं पापा को काम नहीं मिला, एक तो पहले से मूड खराब होता है, फिर बच्चे भी मायूस हो जाते हैं कि आज पापा को काम नहीं मिला तो हमको टोपी काम मिलेगी, आइसक्रीम काम मिलेगी, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। काम नहीं मिलता है तो परेशानी होती है, स्थिति अभी ऐसी ही चलती है। देखो 350 रुपये मजूरी मिलती है, 50 रुपये किराया हो जाता है, बरोबर आटा हो जाता है, 1 किलो आटा 40 रुपये किलो है, ठीक है, कितने हुए 100 रुपये, 50 रुपये आदमी के खर्चे मांगा 150 रुपये, 150 रुपये से क्या घर चलता है। तो फिर सवेरे उठते भगवान का प्रार्थना करते हैं कि हमको मजदूरी मिले। जो नोटबंदी किया सरकार ने, उससे आपके काम पे कोई असर पड़ा? नहीं नहीं, पहले बहुत असर पड़ा था, जब कहीं काम करने जाते थे तो खुले पैसे नहीं मिलते थे, कोई बोलता था कल आके ले जाना, ऐसे करके बहुत मुसीबत हुई थी। गरीबों के कुछ नहीं करते, जो गरीबों की जमीन होती ना वो भी छीन लेते ही। मेरे को 2010 से डायरी बनाई हुई है, मेरे को अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है, सब झूठे दावा है, उसका जेब भरने के लिए वो दावा करते, पर हमको एक भी रुपया सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिली अभी तक। हर जगह एक ही कंप्लेंट है कि काम नहीं है। अभी दिन के 11 बजने वाले हैं और अब इनको काम मिलना नामुमकिन है। हमको तो यही चाहिए कि कौन सा भी चुनाव हो, हमको परमानेंटली मजदूरी मिलनी चाहिए। हमारे कलेक्टिव कॉन्शियंस की, हमारी सिविलाइज सोसाइटी की और हमारे गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हार है जब ये लोग खाली हाथ अपने घर जाते हैं।